सो फाइनली दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक और गुड न्यूज निकल के आ चुकी है जी। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, फ्लैश सेल आने वाला है गाइस, जिसमें आप लोगों को बहुत सारी चीजें डिस्काउंट में मिलेगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशन। हाँ भाई लोग, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन तो बनता है गाइस एक दूसरों को, क्योंकि भाई उसके बाद हम लोग आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी चीजें दिखाने वाले हैं, यानी कि ब्लू लॉक में आने वाले फ्री के बंडल के बारे में बताएंगे कि यार कौन कौन से बंडल आपको फ्री में मिल सकते हैं, एंड यार ब्लू लॉक के और भी आइटम आ रहे हैं वो सारी चीजें भी बताएंगे। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा भाई आने वाले गाइस यहाँ पे न्यू रैंक सीजन में आने वाले न्यू अपडेट्स के बारे में, यानी कि आप लोगों को कौन कौन सी न्यू गन स्किन देखने को मिलने वाली है गाइस, बहुत ही ज्यादा डेडलीस एंड यार फ्री में भी मिलेगा, तो भाई कहने क्या ही कहने। इसके साथ साथ आप लोगों को मैं बताऊंगा गाइस और भी जाना आने वाली चीजों के बारे में, तो लेकिन आप लोगों से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल से कर देना। अभी स्टार्ट करते हैं गाइस वीडियो को, और सबसे पहले मैं आप लोगों को फेटेड व्हील के बारे में बता देता हूं, जो कि गाइस अपकमिंग दिनों में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो गाइस इस फेटेड व्हील को, और गाइस इसके अंदर आप लोग आइटम्स को देख सकते हो। भाई लोग ये दो आइटम आप लोगों को, एक स्काइविंग की स्किन और भाई एक आप लोग को देखने को मिलेगा अराइव एनिमेशन। तो भाई ये दोनों के दोनों आइटम्स काफी ज्यादा यूनिक और बढ़िया होने वाले हैं, मेरे को दोनों पसंद आए हैं। भाई लोग आप लोग बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद आई है, अराइव एनिमेशन या फिर स्काइविंग की स्किन। इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे आने वाले ब्लू लॉक यानी कि फ्री फायर के साथ, ब्लू लॉक के साथ जो कोलैबोरेशन होने वाला है वो कब होगा। तो गाइस यहां पे नवंबर के एंडिंग में स्टार्ट होने वाला है, सॉरी नवंबर के स्टार्टिंग में ये स्टार्ट होने वाला है भाई लोग, और भाई ये वाला बंडल आप लोगों को सभी लोगों को फ्री मिलने वाला है। और 7 नंबर आप लोगों को पता होगा गाइस, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना किसकी जर्सी का है। भाई साहब इसके साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गाइस आने वाले कुछ न्यू बंडल्स के बारे में, जो कि गाइस यहां पे निकल के आ रहे हैं भाई लोग ब्लू लॉक के इवेंट से। और गाइस यहां पे आप लोगों को काफी ज्यादा खतरनाक बंडल देखने को मिल रहे हैं भाई लोग। यहां पे आप लोग देख सकते हो एक प्यारा सा इमोट भी निकल के आ रहा है गाइस, जो कि गाइस यहां पे जंप शॉट, क्या बात है, ओपी वाला सीन है गाइस, बहुत से भी ज्यादा ऑसम लग रहा है भाई लोग। यहां पे ये एक और इमोट, अलग से इमोट, भाई साहब मतलब क्या ही बोले, इमोट्स भी आने वाले हैं, साथ ही साथ आप लोगों को नए नए बंडल्स भी देखने को मिलने वाले हैं, जो कि गाइस फुटबॉल से रिप्रेजेंट होते हुए दिख जाएगा। 15 नंबर जर्सी एंड 7 नंबर जर्सी आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे इमोट्स को आप लोग देख सकते हो गाइस, मैंने आप लोगों को सबसे पहले इमोट ही दिखाए थे, क्योंकि गाइस यहाँ पे और भी आइटम्स आने वाले हैं, यानी कि और भी बहुत कुछ आने वाला है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको अपकमिंग दिनों में वो सारी चीजें भी बता दूंगा। यहाँ पे आप लोग एक और बंडल को देख सकते हो गाइस, ये गोलकीपर वाला बंडल आप लोग बोल सकते हो इसको, देखने में लुक वाइज ही काफी ज्यादा बढ़िया है, बहुत सारी चीजें अच्छी भी है, बहुत सारी चीजें बुरी भी है, वो आप लोगों को मैं अपकमिंग वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गाइस आने वाले न्यू मिशी शॉप के बारे में। एंड हाँ गाइस, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था भाई कि यहाँ पे मिशी शॉप और लक रॉयल के बीच में टाई हो रहा है, भाई कौन जीतेगा, तो भाई यहाँ पे मिशी शॉप हमारा जीत चुका है। 16 या फिर 18 तारीख को आप लोगों को ये कंफर्म देखने को मिलने वाले हैं, एंड यार इसमें आप लोगों को जो आइटम मिलने वाले हैं ना वो तो भाई नेक्स्ट लेवल होंगे गाइस। ये महाराजा वाला बंडल यहाँ पे रिटर्न आने वाला है भाई मिशी शॉप के अंदर, भाई बहुत से भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस मैं, क्योंकि गाइस ये बंडल मुझे बहुत ज्यादा ओपी लगता है। और भाई ये वाला बंडल तो बहुत सारे लोग मुझे यमराज वाला बंडल भी बोल रहे थे, यमराज भाई आपका बंडल आ गया है गाइस गेम में, और भैया आप तो जल्दी से इसको निकाल ही लो। उसके साथ साथ आप लोगों को एक इमोट देखने को मिलेगा जो कि कार वाला है, भाई साहब बहुत ज्यादा औसम है गाइस। ये मुझे याद है यार 2021 में आया था भाई, लिटरली एकदम फाड़ के रख दिया था भाई इस इमोट ने। उसके साथ साथ यहाँ पे एक बंडल और भी देख सकते हो गाइस, राम जी वाला बंडल बहुत सारे लोग बोल रहे थे, तो भैया ये वाला बंडल भी आप लोगों को रिटर्न में आएगा, क्योंकि कल की वीडियो में मेरे को बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा है। तो इन चीजों को देखने के बाद तो मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आया है, बाकी आप लोगों को बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ही कि आपको कैसा लगा है। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हनुमान जी वाले इमोट के बारे में और उसके गदा के बारे में। तो आप लोग देख सकते हो गाइस, क्या बात है यार, मुझे तो पर्सनली बहुत से भी ज्यादा औसम लगा है ये इमोट, तो भाई नेक्स्ट लेवल है गाइस। और ये गदा प्रभु बहुत खतरनाक, ये देख सकते हो गाइस
मुझे तो बहुत ज्यादा ऑसम लगा है। आप लोग ही बताना गाइस कि आप लोगों को क्या लगता है। उसके साथ साथ ये हंसी भाई साहब, जब ये साउंड के साथ अगर होगा ना भाई, बहुत ज्यादा डेडलियस लगेगा। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं न्यू थॉम्सन गन स्किन के बारे में, जिसमें डैमेज डबल प्लस, रेंज प्लस और माइनस किया जाएगा रिलोड स्पीड को। मेरे ख्याल से बहुत से भी ज्यादा ऑसम होगा गाइस, क्योंकि यार अभी तक का सबसे बेस्ट थॉम्सन की गन स्किन लग रही है भाई लोग, आप लोग देख सकते हो। मेरे को काफी ज्यादा ऑसम लगा है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना गाइस कि आप लोगों को कैसा लगता है इसमें। गाइस मेरे को एक चीज ये पसंद आ रही है गाइस कि जब भी आप लोग इसको निकालोगे ना भाई, इसमें आप लोगों को अलग सा ही एक लुक देखने को मिलेगा। अगर आप लोग किसी को डाउन करोगे भाई, यहाँ पे आप लोगों को शेर का पंजा देखने को मिलेगा, एकदम खतरनाक वाला भाई साहब। आप लोग देख सकते हो गाइस, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, इसका लुक भी बहुत ज्यादा ऑसम होने वाला है भाई लोग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई लोग, थॉम्सन साइबर क्लॉ भाई साहब, जहर लग रही है गाइस देखने में, मुझे बहुत भी ज्यादा ऑसम लगा है गाइस। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना गाइस कि कौन कौन इस थॉम्सन को निकालना चाहता है, किस किस को लगता है गाइस कि ये थॉम्सन की स्किन बढ़िया लग रही है। तो भाई जो जो चाहते हो ना, कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। आगे चलेंगे, बात करेंगे डायनो अटैक के बारे में, जो कि गाइस आज रात को या फिर कल रात को 110% कंफर्म हो चुका है। अभी देखो यार, थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, क्योंकि भाई साहब बहुत सारे लोग ये पूछने वाले हैं कि यमराज भाई अब बोल रहे हो आज रात को या फिर कल रात को। तो देखो यार, मैं सच्ची सच्ची आप लोगों को बता देता हूं, यहां पे जो लीक्स निकल के आई है वो 7 तारीख का निकल के आया है। अभी गाइस ये 7 तारीख यानी कि रात के 7 तारीख को सुबह हो जाएगा या फिर रात वाले 7 तारीख को आएगा भाई, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं गाइस कि यार आपको आज रात को देखने को मिल सकता है या फिर कल सुबह सुबह आप लोगों को देखने को मिल सकता है। यानी कि ये डीनो इवेंट जो है ना, वो 110% कंफर्म हो चुका है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो आप लोग एकदम निश्चित हो जाओ भाई कि आपको 1 से 2 दिन मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं यार, आज रात को ही आने वाले हैं, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, आज रात को आप लोगों को देखने को मिल जाएगा या फिर कल सुबह सुबह आप लोगों को देखने को मिल जाएगा हमारा डीनो इवेंट, जिसमें आप लोगों को 5 नहीं बल्कि 6 डीनो बंडल्स देखने को मिलेंगे। एक आप लोगों को यहाँ पे क्या है, ये लूट बॉक्स देखने को मिलेगा, सॉरी। तो भाई काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है गाइस, मेरे को तो काफी ज्यादा ऑसम लगा है, ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा और बढ़िया है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना गाइस कि आप लोग क्या चाहते हो। आगे चलेंगे, बात करेंगे न्यू रैंक सीजन के बारे में। तो भैया आप लोगों को बताया गया कि हमारा अभी BR का रैंक सीजन स्टार्ट ही हुआ है, तो भैया इसके बाद आपको CS का रैंक सीजन भी स्टार्ट होने वाला है, मतलब कुछ दिन के बाद यहाँ पे एंड हो जाएगा, उसके बाद नया रैंक सीजन स्टार्ट होगा। उसमें आप लोगों को क्या कुछ देखने को मिलने वाला है, वो चीजें मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस, आप लोगों को इमोट के बारे में तो पता ही होगा यार, और अगला जो सीजन होगा गाइस BR का, उसके बारे में भी मैं अपडेट दे देता हूँ भाई लोग। यहाँ पे आप लोगों को कुछ नए आइटम्स ऐड की जाने वाली हैं भाई, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है, मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। आप लोग देख सकते हो गाइस, मेरे को तो ये चीजें काफी ज्यादा अच्छी लग रही हैं। यहाँ पे अगर आप लोग पुश करते हो गाइस, रैंक वैसे तो पुश करते ही हो गए, जाहिर सी बात है यार आप लोग खेलते हो गए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आप लोग CS में ज्यादा खेलते हो या फिर BR ज्यादा खेलते हो, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताना। बाकी मैं अगर पर्सनल बताऊं तो भाई मैं एक BR प्लेयर हूं, मैं BR ही ज्यादा खेलता हूं, क्योंकि मुझे टूर्नामेंट खेलना बहुत ज्यादा पसंद है और मैं टूर्नामेंट्स खेलता रहता हूं, ठीक है, इसलिए मैं BR ज्यादा खेलता हूं। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना गाइस कि आप लोग क्या ज्यादा खेलते हो, कौन से प्लेयर्स हो, BR में खेलना चाहते हो या फिर आप लोग यहाँ पे CS ज्यादा खेलते हो। जिसको भी अगर हमारे गिल्ड में आना है गाइस, तो उसके लिए मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दे रहा हूँ हमारे सेकेंड चैनल का, उसमें आप लोग आ सकते हो। मैं अभी थोड़ी देर के बाद लाइव स्ट्रीम भी करूंगा, तो वहां पे हम लोग गिल्ड टेस्ट वगैरह भी लेते रहते हैं गाइस। अगर आप लोगों को इंटरेस्टेड है कि भैया हम यमराज भाई के साथ खेलना चाहते हैं या फिर यमराज भाई के गिल्ड में रहना चाहते हैं, तो आप लोग आ सकते हो गाइस हमारे गिल्ड में, और वहां पे हम लोग ना बहुत सारी चीजें करते भी हैं, इंजॉय भी करते हैं गाइस। हमारे गिल्ड में बहुत सारी चीजें भी होती रहती है, एंड उसके साथ साथ आप लोगों को गाइस बहुत से भी ज्यादा बढ़िया चीज क्या मिल जाएगी भाई, आपको एक चीज सबसे बढ़िया मिलेगी, जो कि मेरा गाइडेंस होगा। आप लोग टूर्नामेंट प्लेयर्स बन सकते हो, अपना करियर बना सकते हो, जो कि आपके लिए बढ़िया होगा। बाकी आपकी मर्जी है गाइस, आपको करना है नहीं करना है वो तो आप पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ आप लोग कुछ नए बंडल्स एंड नई इमोट्स वगैरह को भी देख सकते हो, इसमें आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे निकल के आ रही है भाई लोग, जो कि अपकमिंग दिनों में आप लोगों को रैंक सीजन के अंदर देखने को मिलेगा। जो भी बंदा पुश करेगा उसको ये चीजें देखने को मिलेंगी, जो कि फ्री में ही होगा, जाहिर सी बात है यार, और ये टोकन वगैरह में नहीं मिलेगा भाई लोग, तो यार आपको ऐसे नहीं मिलने वाला। आगे चलते हैं, फ्लैश सेल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि यार बहुत सारे लोग फ्लैश सेल के बारे में अभी तक पता नहीं चल रहा होगा, तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। न्यू आइटम न्यू डिस्काउंट डेली आप लोगों को पता है गाइस, तो ये क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्यों
क्यों होने वाला है। तो भाई मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा गाइस कि अपकमिंग दिनों में आप लोगों को ऐसे देखने को मिलने वाला है गाइस कि हर दिन आप लोगों को एक डिस्काउंट इवेंट देखने को मिलेगा। हर दिन डिस्काउंट इवेंट, मतलब कि आप लोग इतना समझ लो कि भाई आप लोगों के लिए चांदी ही चांदी होगी। अभी कैसे होगा क्या होगा तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ठीक है। मतलब अभी अगर आप लोग डेली मिशन को देखते होगे, जाहिर सी बात है डेली मिशन को देखते ही होगे जाके, तो वहाँ पे आप लोग एक चीज नोटिस करना कि वहाँ पे जो आइटम्स मिलते हैं ना भाई वो उतने अच्छे नहीं होते। लेकिन अपकमिंग दिनों में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा गाइस, यहाँ पे आप लोग हनुमान जी वाला बंडल को भी देख सकते हो भाई, काफी ज्यादा बढ़िया है। तो ये सारे बंडल्स, ये सारे आइटम आप लोगों को गाइस वहाँ पे डिस्काउंट में अवेलेबल करवाए जाएंगे डे बाय डे। मतलब किसी के दिन में कोई और बंडल, किसी दिन किसी और बंडल को ऐड किया जाएगा, और भाई एक पूरा का पूरा इवेंट चलेगा फ्लैश सेल का, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया होगा। ये डेली होगा भाई, ये सबसे ज्यादा अच्छी बात है। तो मुझे वो तो मुझे बहुत ज्यादा ऑसम लगा है, ठीक है। बाकी हनुमान जी वाला बंडल आप लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा है या फिर जामुन का काला बंडल, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना गाइस। और बाकी ये इमोट तो मुझे बहुत से भी ज्यादा डेडलियस लग रहा है भाई, किसी को मारने के बाद अगर उस पे यहाँ पे ये इमोट दिखा के हंसा जाए भाई साहब, क्या बात है यार, मजा आ जाएगा भाई, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना गाइस कि आप लोगों को इन दोनों चीजों में से क्या चीजें पसंद आई है। साथ ही साथ हम लोग आगे चल लेते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ी सी गाइस लूट बॉक्स वगैरह के बारे में। एंड यार यहाँ पे आप लोग एक चीज नोटिस करना गाइस कि दिवाली का पूरा थीम होने वाला है। मतलब आप लोग देख सकते हो गाइस कि एक बॉक्स रखा गया है जिसमें आप लोगों को गाइस रॉकेट रखे गए हैं भाई, एकदम दिवाली वाला फील आप लोगों को देखने को मिलेगा। मुझे पर्सनली बता रहा हूँ भाई, बहुत से भी ज्यादा बढ़िया लगे हैं ये सारे के सारे आइटम्स, सारे के सारे आइटम्स बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना गाइस कि आप लोगों को कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद आई है। बाकी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, लव यू गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर किसी को कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन खाली है गाइस, मुझसे जरूर से पूछ लेना। बाकी मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है गाइस।